we are definitely late, wo bhi because of me. वेल आई एक्सपेक्टेड कि ये कॉलेज हमारे कॉलेज से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, पर नहीं, हालात यहाँ पे भी कुछ वैसे से ही है. थोड़ा सा फनी होने का ट्राई कर रहा था मैं और कुछ नहीं. इतना झाड़ उगा पड़ा यहाँ पे भाई, अब ज़्यादा ही हाल बुरे हो गए. इफ़ यू गाइस डोंट नो वेयर आई एम, अभी हम आए हुए हैं GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब भी हैं. हम लोगों का यहाँ पर आने का तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बंक मार के आ गए हैं. हाँ, हम अपना कॉलेज बंक करके दूसरा कॉलेज आए हैं. सॉरी कर वालों, सॉरी मम्मा पापा. तो हम अपना कॉलेज बंक करके दूसरा कॉलेज अमृतसर में देखने आए हैं. ये जगह भाई बहुत ही सही है, बहुत ज्यादा मजा. क्या मॉल, अभी मतलब हमने पार्किंग की ही है और इट लुक्स अमेजिंग, काफी ज्यादा मजा आ रहा है जगह. ठीक है, आज मौसम अच्छा है. ऐसे भी यूनिवर्सिटी काफी बार आ चुके हैं, बट आज हम कुछ स्पेशल रीजंस के कारण आए, और वो मैं रीजंस आपको बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ. ये है वो रीजन जिसके कारण हम स्पेशली अमृतसर आए हैं. तो हमने सोचा हम अमृतसर आ रहे हैं तो हम अपना व्लॉग शूट कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी सुंदर ये जगह है. तो भाई कैसा लग रहा है? सिनेमैटिक्स. सिनेमैटिक्स को बीच में कट करना पड़ रहा है बिकॉज इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है. मुझे लगता है मैं पिछले 10 मिनट से चल ही जा रहा हूँ, पर मैं कहीं पे पहुंचा नहीं हूँ अभी तक. ये वो कैंपस थोड़ा छोटा था और यही हमारा कॉलेज होता, अभी तक इतना चल के हमने कैंपस खत्म भी कर दिया होना था. 10 चक्कर लग गए होते. 10 मिनट में 10 चक्कर लग गए होने थे. दोबारा चलते हैं सिनेमैटिक्स पे. We have reached the university, और आज के हमारे टूर गाइड है वासु शर्मा. वासु शर्मा से हाय. ये भाई हमें घुमा रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी. हम तो भाई 2 साल यहाँ पे खज्जल छोड़ेंगे. भाई हम जब भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं हम सरप्राइज होते हैं, क्योंकि वी आर नॉट सो हैप्पी विद आवर करंट सिचुएशन. बट हमसे भी ज्यादा जो आज हैरान है वो हमारे ये भाई साहब है. फिर कितना दिन लगी यूनिवर्सिटी? सही नहीं, मतलब ऑनेस्ट रिएक्शन दे. जो मतलब पहला बार भाई यहाँ पे पैर रखा तो कैसा लगा? नहीं, अच्छी है. अच्छी है, हिंदी से आगे भी सही. की कर टॉप फ्लोर पे यहाँ पे कैंटीन है, मुझे उस कैंटीन का नाम नहीं पता, वहाँ जाके देखते हैं क्या माहौल है. सो आई विल टेक यू गाइस देयर. तो भाई कैंटीन साइड तो हम हुआ है एंड इट वाज अमेजिंग थैंक्स टू द दया वासु भाई की हमें अच्छे अच्छे यू नो सीन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. भाई अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कहीं कोई पर्सनल मीटिंग के लिए भाई. नहीं, अब हम जा रहे हैं आपको वहाँ पर लेकर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, दी आर्ट्स कैफे. चलें भाई. चलो भाई, भाई टेलीपोर्ट कर दे फिर. 4 लोग निकले थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यू नो जर्नी पे, अब हम सिर्फ 2 रह गए हैं. भाई आप यहाँ पे आकाश अपनी सहेली को मिले गया है, वैभव अपनी सहेली को मिले गया, हम दोनों छड़े में लंग घूम रहे हैं यहाँ. भाई ये घर वाले सच्ची मान जाएंगे कि वैभव की सहेली है भाई. मान जाएंगे, गया तो है ही है वो. भाई वो गया है पर वो अपने फ्रेंड्स को मिलने गया है, अपनी फ्रेंड्स को, नॉट अपने. चलो भाई, वैभव अपने चाचू चाची को खुद समझा लेना, मैं किसी को कुछ समझाने नहीं वाला. और भाई अभी हम कहाँ पे है? ये तू मेरा गाइड है ना आज का, तो फिर तुझे मुझे बताना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज आर्ट्स कैफे. ये है आर्ट्स कैफे जी. पीछे हमारे लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मिक्स जनता है, लॉ की, बीएस इकोनॉमिक्स की, सारे लोग. और थोड़ा सा खेद है, लोग आ गए थे बीच में फ्रेम में. बाकी यही है, माहौल है, एंजॉय कर रहे हैं. अभी तो प्यास बहुत लगी हुई है और भूख भी बहुत लगी हुई है, तो कुछ खाते हैं पीते हैं उसके बाद फिर आपको मिलते हैं. थोड़ी थोड़ी देर बाद हम आपको मिलते ही मिल ही जा रहे हैं. ऑल राइट भाई, वासु ने तेरे बारे में बड़ा कुछ गलत बोला है कि पता नहीं किस किस के साथ घूम रहा है ये. भाई ये कट कर देना. मैं भाई आकाश के साथ, आकाश आपको दिखाया था नहीं, आकाश के साथ है. मैं आकाश के साथ. हाँ भाई,
मौसम एंजॉय। भाई तूने क्या बोला है? भाई ये बोल रहा था कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो भाई बता दे कहाँ घूम रहा था। भाई मैं कहीं नहीं घूम रहा था, मैं कहीं नहीं घूम रहा था, मैं आकाश के साथ था, मेरा फ्रेंड आकाश आया हुआ बस पगल मुंडा वो भाई उसके साथ घूम रहा था। अच्छा सही है। तो और भाई कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी घूम फिर के? सही है, मजा आ रहा है। और उसको फोन तो कर दो, डिफरेंट एक्सपीरियंस। भाई वो आता थोड़ी देर में, अब वो भी कहीं चला गया। इट्स लाइक इस वीडियो में अगर सबसे ज्यादा कोई कॉन्स्टेंट बंदा है, कॉन्स्टेंट बंदा सबसे ज्यादा मैं हूँ इस पूरी वीडियो में। भाई आप ही वीडियो बना रहे हो अपने फोन से, आप नहीं होना कॉन्स्टेंट। भाई सारे तो ये भी भाई गए हो गए हैं ना, जो हमें बता नहीं रहे। भाई सारे तो कहीं ना कहीं घूम ही जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे को तो वेलो की तरह बैठना पड़ रहा है यहाँ पे। लोगों के सामने बोला नहीं जाता फिर शर्म सी आ रही है। भाई आगे के क्या प्लान्स है? फिर आगे के प्लान्स है, भाई ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये कहीं जा रहा है ये? भाई मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूं। भाई भाई नहीं नहीं नहीं, इसकी वीडियो बना ले नहीं कर रही। पूरे ग्रुप में अगर कोई कांस्टेंट है वो मैं हूँ। मम्मा पापा मैं सारा टाइम कैमरे के सामने था। भाई मैं तो ये भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ये भी सबमिट करवाने जा रहा है। अंकल आंटी आप वीडियो देख रहे हो ना, देख लो कहाँ जा रहा है ये। आ जा रहा है भाई तू, बस ये डिपार्टमेंट जा रहा हूँ यार, वो देखा। ऑलराइट भाई आपने कहा हमने मान लिया। यहाँ पे फन बाइट्स होती थी, बहुत अच्छी कोई कैंटीन थी यहाँ की मशहूर, जहाँ पे वासु माहौल बनाया करता था। पर अनफॉर्चुनेटली वो कैंटीन यहाँ से उठ चुकी है, तो वासु भाई सैड नहीं होना है। ओहो ये भाई भाई कैसे? बहुत बढ़िया भाई। भाई कैसे आप मुझे बताओ, आप कहाँ से घूम, दो घंटे से कहाँ घूम रहे हो? काम था बाजार का है, काम था मार्केट का। आप घूम फिर रहे हो? हाँ भाई। ऐसा लगा यूनिवर्सिटी में आके? मजा आ रहा है? ठीक है भाई। इतना पर्वत वाला स्टाइल क्यों बोल रहा है? पर्वत लग रहा है। और मैंने क्या बोला भाई? पर्वत लग रहा था एक नंबर का। इसको कुछ हो गया क्या? तू सैंडविच खा। अब भाई सैंडविच खा। अच्छा इसको सैंडविच खाने भेज। ये भाई तो जा रहा है, ये करके आएगा, कुछ करके आएगा। अंकल आंटी अब देख लो, आपका लौंडा कानपुर जाने से पहले बिगड़ चुका है, चेक करो ना भेजो। जाने से पहना ही हूं वीर, की करना ला भाई तुझे हम घुमाते यूनिवर्सिटी, सही सही दिखाते हैं, चले मोल ही नहीं है यहां पे। सिंस आवर गाइड लेफ्ट अस, तो हम अपने ओन पे ही हैं। और अब हम भाई वो फोन कराने गए, जैसे मैं आकाश के साथ घूम रहा तो अब हम अपना एक्सप्लोरेशन पे निकलते और अपने हिसाब से देखते कि ये इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्पेशल है। ओह माय गॉड पीपल आर लुकिंग अस। भाई मैं व्लॉगर, मेरे को तो सब्सक्राइब कीजिए मॉडल व्लॉग्स। एग्जाइटेड है भाई। एक हमारी यूनिवर्सिटी हमारा, एक तो मेरे को बार बार यूनिवर्सिटी बोलने की पता नहीं क्या था। एक हमारा कैंपस है जहाँ पे सारे स्पॉट ही खाली होते हैं। एक हमारा रीजनल कैंपस है जहाँ पे आपको सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा। और एक ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको एक खाली शांति भरा स्पॉट मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। कैमरा बंद कर देता हूँ, शर्मा गए मेरे को। नेट क्यों नहीं चल रहा? बस में सिर्फ एक कैंटीन है, एक भी नहीं आधी कैंटीन है, जिस जो उसके हालात है। यहाँ पे एक वो कैंटीन है, ठीक है भाई साहब, कुत्ते को छोड़ के। कितनी कैंटीन है यहाँ पे? 10-12 कैंटीन है, मैं देख के आया, पांच तो मैंने देख ली। एक या आर्ट्स कैफे हो गई भाई, तो अकेले अकेले घूम रहा था भाई। इतनी सारी कैंटीन है यहाँ पे, इतनी सारी कैंटीन है। हेलो देख लो भाई, सभी को फोन आ रहे हैं, हमें कोई फोन क्यों नहीं करता? आगे आगे we are done with the university now. खा भी लिया, घूम भी लिया, फिर भी लिया, everything we have done. और हम वेट कर रहे थे इन भाई साहब, भाई लोगों का। कैसे हो भाई? भाई हम नहीं वेट कर रहे, हम वेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाला काम हमारा हो चुका है और जितना भी हमने दिखाया वो बहुत, आई एम वेरी मच श्योर कि ये 1% भी नहीं था, मतलब 5% भी नहीं था यूनिवर्सिटी का। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, पूरा यूनिवर्सिटी आपको दिखाएंगे, है ना? दिल्ली का बोल के आ जाएंगे ना, हफ्ता यहाँ पे रहेंगे, मतलब यहाँ पे प्लान रिवील कर दो, यहाँ पे सब बता दो। और दिल्ली का बोल के तू नहीं आना, दिल्ली नहीं जाना। चल भाई आगे निकल। भाई तेरे को तो कहा था चल तू गया। ओके ओके बाय 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 बाय। खाली खाली रहता है जब तक हमारे मेन स्टार लोग ना आए, तो स्टार लोग तो कहीं और ही आज तारे अपने, मैं भाई बता रहा हूँ, स्टार लोग तो अपने तारे कहीं और ही चमका रहे हैं आज। हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा हुआ आप सबकी क्या बोलते हैं इसका, मेहरबानी से, आप सबकी सपोर्ट से। हाँ। वाई वाई की डेट पता लग, पर भाई पर जो वाई वाई है वो वहां पर होना है। ओ भाई गाड़ी में डॉक्यूमेंट पड़े थे, गाड़ी में डॉक्यूमेंट पड़े थे। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो ये बात तो जो जिन्होंने जो किया उन्हें को ही पता होगी, जैसे जिनका वाइवा हो चुका है, एंड आई गेस वाइवा काफी अच्छा गया है। वाइवा अच्छा गया भाई? भाई एक नंबर वाइवा अच्छा है, दिखाता हूं तेरे को रिजल्ट भी आ गया। अगला राउंड
अगला राउंड भाई खत्म हो गया, आप तो आप देखेंगे आगे दिल करेगा आगे पढ़ाई करने का पढ़ लेंगे, वरना जाना तो है ही। ये मतलब कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की बात है, अगर आप तो कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं देन यू आर वेरी स्मार्ट। कोई समझ नहीं पाएगा मोनी वॉइस प्रोफेसर हूं मैं। तो भाई चलें अब यहां से निकले। है चलो यार चलो ठीक है। बाकी दैट वॉज द व्लॉग गाइज, इफ यू लाइक दिस व्लॉग लेट मी नो, बिकॉज हम ऐसा ही कॉन्टेंट और पोस्ट करेंगे, मतलब अपग्रेड करेंगे, थोड़ा और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे एवरी वीडियो में, और ऐसी डेली व्लॉग्स और चैलेंजेस जो आगे हम करने लगे हैं, जो हमारे माइंड में प्लान्ड आउट हैं, वो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करो, और कुछ भी आपके पास हो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ दैट वी शुड डू, और इफ़ दिस एनी थिंग दैट वी शुड डू, या फिर कुछ ऐसा जो आपको वीडियो में बहुत पसंद है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।